फिर इसी तरह पाकिस्तानियों का खून जो है वो गली कूचों में बहेगा, वो इसी तरह इमाम बारगाहों में शिया कत्ल होंगे, शहीद होंगे, मस्जिदों में सुन्नी शहीद होंगे, जिनाजों पे खुदकश बमबार जो है हमला करेंगे, बेगुनाह डॉक्टर उनके बच्चे जो है शहीद होंगे लेगा, चाहे वो क्वेटा हो या कराची हो या पाकिस्तान का कोई और शहर हो, जहां पे लोगों की मिजरी से, लोगों की अजियत से, लोगों की मुसीबतों से, एडवर्सिटी से लोग बनाने, पैसा बनाने वाले मौजूद हों, वो कौमें जो है पस्ती की इंतहा गहराइयों में जो है गिर चुकी होती है। जनाब चेयरमैन, हम सियासतदान जो हैं, मैं किसी और बरादरी की बात नहीं करता, हमें कम से कम अपने जाती मुफादात से बालातर होके जो गली मोहल्ले कूचों में पाकिस्तानी रहता है, जो गांव में रहता है, छोटे और बड़े शहरों में जो पाकिस्तानी रहता है, हमारी नौजवान नस्ल जो है उसके लिए सोचना चाहिए। जनाब चेयरमैन, ना 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 सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रब्बुल इज्जत की अदालत में भी कुछ नहीं था अपना दिखा, कुछ भी अपनी को कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। और मैं एक दफा फिर कहूंगा कि ये हमारे बाबाए कौम जो मसलकन शिया थे, जो मसलकन शिया थे, जो मसलकन शिया थे, हम उनको अपना बाप कहते हैं, पाकिस्तानी अपना बाप कहते हैं, बाबाए कौम कहते हैं, अगर उसकी मसलक के लोग यहां पे महफूज नहीं है, अगर उसकी मसलक के लोग यहां पे महफूज नहीं है, हो सकता है वो जिंदा होते तो पता नहीं क्या क्या हमने उनके साथ किया होता।